गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आपने सुना होगा कि जो फोर्ड थे, फोर्ड जो है वो किसान परिवार में पैदा हुए थे। मैंने फोर्ड की कहानी पहले भी सुनाई हुई है, अभी मैं आपको दूसरा इंसिडेंस बताऊंगा कि फोर्ड जो है उनको प्रेरणा कहाँ से मिली कि उन्हें भी कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ बड़ा काम करना चाहिए। तो फोर्ड जो है वो एक किसान परिवार में पैदा हुए थे, और फिर मैंने आपको इससे बताया था कि वो डेट्रॉइट में जॉब करने चले गए थे। तो डेट्रॉइट में उन्होंने सबसे पहली कंपनी ज्वाइन की थी, वो थी एडिसन की कंपनी थी। तो एडिसन की कंपनी में वो छोटे पद पे ना, फोरमैन के पद पर वहाँ पर वो नियुक्त हुए। तो थॉमस अल्वा एडिसन की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। उस जमाने के बड़े साइंटिस्ट बन चुके थे वो, बड़े इन्वेंटर थे वो, उनका बड़ा भारी एक जो है वो उद्योग भी लगा चुके थे वो। तो एडिसन जो है उनसे मिलना फोर्ड का एक सपना था। वो चाह रहे थे कि मैं एक बार थॉमस अल्वा एडिसन से मिलूं एक बार मैं, और उनसे मैं मुझे कुछ पूछना है। ठीक है, अब एडिसन इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इतने बड़े आदमी, और कहाँ फोर्ड एक छोटे से फोरमैन फैक्ट्री के अंदर। तो एक बार मौका लगा कि जब एडिसन उनको जो है वो दो मिनट के लिए कहीं मिले, ठीक है, तो मतलब आए होंगे अपने फैक्ट्री में देखने के लिए, तो वहाँ पर ये भी थे। तो इन्होंने जो है उनसे दो मिनट का, इनको जो है कॉरिडोर में जाते में इनको दो मिनट का साथ मिला। तो इन्होंने एडिसन से कहा कि सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हालांकि एडिसन बहुत व्यस्त व्यक्ति थे, बहुत सारे काम थे इनके पास। तो उन्होंने इसको कहा, हाँ बोलिए। तो इन्होंने कहा कि मैं सर ये जानना चाहता हूँ, क्या मैं पेट्रोल एक बेहतर ईंधन हो सकता है? क्या पेट्रोल में भी ए गुड फ्यूल फॉर दी ऑटोमोबाइल्स की थी, हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो उसमें पेट्रोल का अच्छा ईंधन बन सकता है? तो एडिसन ने देखा वो उनकी तरफ और बोला हाँ बिल्कुल, है ना, और आगे बढ़ गए वो। और इसके बाद एडिसन ने कभी इतना पलट के देखा ना, कभी दोबारा इस बारे में बात किया ना, कभी संपर्क किया। लेकिन जैसे जैसे एडिसन ने बोला हाँ बिल्कुल, ये दो शब्द फोर्ड के दिमाग में बस गए थे कि उन्होंने लगा कि हाँ भाई, पेट्रोल इंजन बन सकता है और मैं और बेहतर मैं सोच रहा था उस चीज़ पर, मतलब एडिसन ने हाँ बोल दिया, मतलब वो तो संभव है, मतलब होगा ही। इनको एडिसन पर बहुत भारी ट्रस्ट था। फिर आप सब जानते हैं कि फोर्ड ने क्या किया, फोर्ड मोटर्स कितनी बड़ी कंपनी बनी। क्या तो मतलब हम इस कहानी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात छुपी है। वो छुपी है कि कई बार क्या होता है, कई बार हम कई लोग जिनको जिनको हम मानते हैं, जो हमारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, यदि हम वो उनकी एक छोटी सी बात को भी हम लोग जो है वो कई बार क्या करते हैं, उनको बहुत गहरा मन के अंदर बसा लेते हैं हमके, और कई बार वो बड़ी सफलता लेके आती है। ठीक है, अब ये तो बात हुई पॉजिटिव एस्पेक्ट की, कि मैंने आपसे कहा कि फोर्ड ने, जो फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन ने बोला कि हाँ बिल्कुल, उन्होंने बोला कि यस सर हो सकता है ऐसा, और इतना सुन के जो है वो उन्होंने जो है अपना डिसीजन जो है वो लिया उन्होंने कि हाँ मुझे इन्वेंट करना है, मैं कुछ कर सकता हूँ उनके। लेकिन इसका उल्टा भी होता है। कई बार क्या होता है, कई बार हम अपने आसपास रहने वाले नेगेटिव इन्फ्लुएंसर, एक होते हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंसर जो आपको हमेशा बोलेंगे नहीं तुमसे नहीं बनेगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा ये अटेम्प्ट था तुमने अभी भी नहीं किया, यूपीएससी तुम्हारे बस का नहीं है, नीट में तुम्हारा स्कोर इतना कम रहा है, चार तीन साल में ऐसा स्कोर है। तो कई नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, और आप उनकी बात सच मान लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर क्या छिपा हुआ है उसको मानना बड़ा जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि आप दूसरों के प्रभाव में आकर अपने डिसीजन बदलते चले जाएंगे। अभी मैं तीन दिन से लगातार यही कॉल देख रहा हूँ कि सर मेरे नंबर इतने आए हैं, मैं क्या करूँ, मेरे उतने आए हैं, मैं नंबर क्या करूँ। देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि आपके जो भी नंबर आए हैं, आप ये जानिए, पूछिए अपने आप से कि आप करना क्या चाहते हैं। कि यदि आप यही करना चाहते हैं, मेडिकल में ही जाना चाहते हैं आप, या यूपीएससी में जाना चाहते हैं आप, तो आप ये ध्यान रखिए इस बात का कि आपको अपने सपने के लिए जमकर मेहनत करनी है, और ये प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में मैं हमेशा कहता हूँ, हारते नहीं हैं आप, जीतते हैं या फिर सीखते हैं आपके। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हथियार डालना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। रही बात तीन चार पाँच अटैम्प्ट की, तो भाई देखो सिंपल सी बात है कि आप चार अटैम्प्ट दें या पाँच अटैम्प्ट दें, आपने तीन चार पाँच साल तक वही सेम पैटर्न में आपने काम किया है, आपने कोई भी सुधार अपने अंदर नहीं किया है, आपने अपने आपको इम्प्रूव करने की कम कोशिश की, इसलिए ऐसा हो रहा है। अदरवाइज निकलने के लिए एक अटैम्प्ट काफ़ी होता है, निकलने के लिए एक अटैम्प्ट काफ़ी होता है। ठीक है, केवल फर्क इस बात का पड़ जाता है कि हम बहुत सारा अपना दिमाग लगाते हैं, बहुत सारा समय का क्षरण करते हैं। तो जो हमारा अपना दिमाग हम बहुत सारा लगा रहे हैं कि टीचर की बात नहीं मान रहे हैं, हम अपने हिसाब से 10 जगह पे जाके हॉपिंग कर रहे हैं ना, शॉपिंग भी, जो एजुकेशन भी एक हॉपिंग टाइप बन गया, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, नहीं उससे नहीं होगा। क्योंकि सफलता कोई टीचर आपको नहीं दे सकता है, वो केवल और केवल आपके अंदर छिपी है। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आप जाएंगे अपना मस्तिष्क लेके, अपना दिमाग लेके, टीचर सिर्फ आपको पढ़ा सकता है, बाकी चीज़ें आपको स्वयं करनी है। ठीक है, याद रखिए, दुनिया के सबसे टफ समय में जब हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु होती है, हमारा एग्जाम होता है, हम अकेले होते हैं। ठीक है,
सिर्फ हम अकेले होते हैं, और हमको ये बात स्वीकार नहीं होगी कि हमको यदि सफलता पानी है तो हमको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। यू नीड ए गुड ट्रेनर, आपको एक अच्छे ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा ना आपसे कि केवल ट्रेनर सब कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रेनी है, जो शिक्षा ले रहा है, जो अपने आप को पारंगत कर रहा है, वो कितना डिवोटेड है उस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।